तो हम पोल्ट्री के माध्यम से वही मछली देते हैं। तो ये एक प्रकार से हमारी पोल्ट्री पॉलिसी का ही भाग है कि आपको कोई बुलाए और दो घंटा तीन घंटा भाषण सुनाए और भाग जाए, लेकिन मैं तीन घंटा आपको पोल्ट्री सुनाऊंगा तो आप सुनिएगा और आपके दिल में भी वो बात उतर दी जाएगी। क्यों नहीं अजम सर वैसे ही है। अब मेरा ही एक शेर है कि यह दौरे हवस लेकिन ऐसा भी क्या, यह दौरे हवस लेकिन ऐसा भी क्या, आदमी कम से कम आदमी तो रहे। अब मुझे आप बताइए कि पोल्ट्री के माध्यम से क्या कर सकते हैं। आजकल जो गोवर्धाजी और राजनीतिक ही ज़्यादातर कार्यक्रम होते हैं उसके बारे में क्या कहेंगे। देखिए फास्ट फूड जो है ना खाने में अच्छा लगता है लेकिन उससे पेट खराब होता है। तो क्या है कि अच्छा वो है जो कि 20 साल बाद भी आप पढ़िए तो आपको फ्रेशनेस महसूस हो। आज भी हम कुछ ऐसे व्यंजन हैं, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। प्रेमचंद जी की कुछ कहानियाँ पढ़ ली ईदगाह, अभी ईद आके गई है, हमने बहुत उस पर चर्चा की। क्या आज मैं अगर ईदगाह पढ़ूंगा तो मैं उस इमोशन को से आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा को अपनी दादी के लिए है। जब मैं कफन कहानी पढ़ूंगा तो क्या मैं इस बात को आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा कि गरीबी आदमी को किस हाल में पहुंचा देती है कि आदमी मर रहा है और आलू दूसरा ज़्यादा ना खा ले उस वजह से छोड़ के नहीं जा रहा। तो सच्ची भावनाएँ जो होती हैं वो किसी भी एज में रेलिवेंट होती हैं। छिछोरी भावनाएं जो होती हैं थोड़ी देर के लिए तो आपको इश्तियाल दिला सकती हैं, आपको इंटरटेन कर सकती हैं, लेकिन आप वहाँ से निकलिएगा भूल जाइएगा। तो आज भी अगर हम दिनकर को पढ़ते हैं, निराला को पढ़ते हैं, माधवी वर्मा को पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? दिनकर ने कहा था जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। दिनकर को गए हुए भी कई साल हो गए लेकिन ये कविता तो मुझे आज भी है, मैंने दिनकर जी को देखा नहीं लेकिन ये कविता मुझे याद है, रश्मि रहते मुझे याद है, मैंने पढ़ी थी बार बार। तो छिछोरा या स्तरीय जो चीज़ नहीं होगी वो थोड़ी देर के लिए तो आपको इश्तियाल दिला देगी, थोड़ी देर के लिए आप वाह वाह कर लेंगे लेकिन उसका कोई प्रभाव आप पर नहीं होगा। वहीं पे ऐसी ऐसा व्यंग हो, ऐसा हास्य हो जो कि रेलिवेंट बना रहे, जो आपको दिल पे चोट भी करे लेकिन आपको सोचने के लिए भी पढ़िएगा सुनिएगा तब भी आपको अच्छा लगेगा। हम ऐसे कलाकारों को और अनफॉर्चुनेटली ऐसे कलाकारों को स्टेज नहीं मिलता। तो हमारी कोशिश ये है कि ऐसे कलाकारों को स्टेज मिले। जो हमारा पोएट्री फेस्टिवल है इसमें मुंबई और मुंबई के बाहर के जो पोएट्स हैं उसमें पॉपुलर मेरिटी जो कि आज हास्य के उर्दू निजा का सबसे बड़ा नाम है, शासिक रिवायत है, जो हमारी ट्रेडिशन है, बिल्कुल उस ट्रेडिशन के अनुरूप आप इस प्रोग्राम को पढ़िएगा। उसकी सजावट, उसका सेटअप, उसमें जो लिटरेचर का क्वालिटी है वो सारा का सारा चीज़ वो होता है जिसे देखकर आप दूसरे जगह पर लोग वैसा करने लगे। तो मैं आपके माध्यम से सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अगर कि ये खबर, ये इंफॉर्मेशन, ये माहिती और वो ऐसा रूप है जो कि निर्मल रूप होता है, जो होता बीच में कोई बंधन नहीं होता, विचार उन्मुक्त होते हैं और विचार आप तक कैसे पहुँचे वही एक प्रयास होता है। कंक्लूड करें इसको सर, हम ठीक है ना, ये बंद करेंगे तब वो चालू होगा।